जहाँ तक राकेश टिकैत का सवाल है, राकेश टिकैत पुलिस में दिल्ली में नौकरी करते थे, वहाँ से निकाले गए। आज उनके पास अथाह संपत्ति होगी, कितने पेट्रोल पंप, कितने होटल, इसकी सरकार को जांच करानी चाहिए और इनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मुकदमा कायम करके विभागीय जांच करानी चाहिए। जहाँ तक राकेश टिकैत की बात है, राकेश टिकैत दिल्ली तक ही सीमित है, क्योंकि केजरीवाल को उनको संरक्षण है। यूपी के बॉर्डर के अंदर योगी तो बुला रहे हैं कि आप घुसो तो अंदर, आपको तो न्योता दे रहे हैं, लेकिन वो न्योता से डरा रहे हैं, इसलिए वो यूपी के बॉर्डर के अंदर घुसना नहीं चाहते कि हम अपनी छीछा लेदर हो जाएगी। यूपी में जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, मुख्यमंत्री आप लोग किसको देखना चाहते हैं? योगी आदित्यनाथ को। जो काम उसने कोरोना में कर दिया वो हिंदुस्तान का कोई आदमी नहीं कर सकता था। हर एक गांव-गांव, हर एक अस्पताल कोरोना टाइम में जाना सबसे बड़ी उपलब्धि है, किसी के दम नहीं था। अपोजिट पार्टी कभी अस्पताल गई है देखने के लिए? लॉ एंड ऑर्डर सही है। इस समय लुच्चे लफंगे सब अंदर हैं, कोई स्नैचिंग नहीं हो रही है। पर्सनल लड़ाई एक अलग लड़ाई है। आसमान के नीचे रहते हैं हम लोग। पर्सनल लड़ाई अपनी लड़ाई है, लेकिन इन जनता में योगी का काम बहुत अच्छा है। गरीबों को सामान दिया, गल्ला दिया, और अस्पताल में जा करके मॉनिटरिंग किया उसने, उससे अच्छा कौन योगी? कोई विधानसभा का अपोजिट पार्टी आज तक अस्पताल जाकर मुआयना तक नहीं किया कि मरीजों की क्या हालत है, इसलिए हम सब लोग उन्हीं के साथ में। बस वो हमारे गुरु जी हैं, वो एक गुरु जी हैं हमारे। नहीं बस ठीक है। हाँ जो ये बताया कि क्या क्या कर रहे हैं कि जिसके आधार पे आप लोग मुख्यमंत्री? नहीं, योगी जी के कार्य तो इतने ज़्यादा हैं कि एक साथ गिनाए नहीं जा सकते, लेकिन ओवरऑल कोरोना काल में जिस तरह से उन्होंने मैनेज किया। बोल रहा है कि गंगा में लाशें बह रही थी। लाशें तो बहना है, यहाँ दफनाने, गंगा में दफनाने की परंपरा बहुत पुरानी है, तो दफना दिए तो कोई अपराध तो हुआ नहीं है। अभी है कि उसके बाद लाशें निकली हैं तो उनको जलाया गया है, ऐसा नहीं है, ये कोई चीज़ नहीं है। जब महामारी आई हुई है, इतने ज़्यादा लोग मर रहे हैं और उस तरह की व्यवस्था नहीं हो पाई होगी, तो दफना दिए। दफनाना भी हमारे भारतीय संस्कृति में माना जाता है कि दफना सकते हैं गंगा जी के किनारे। सपा सरकार में तो अयोध्या मंदिर में जो है गोलियां चलवाई गई, लाशें गिर गई, इनमें अगर गंगा में लाश बह गई तो कौन अपराध हो गया? लाइन क्यों हो रहे हो? अभी जो राम मंदिर का आप बोल रहे हैं, राम मंदिर पहले लोग मना करते थे, लेकिन अब तो सभी राम मंदिर जा रहे हैं। बहन जी भी बोल रहे हैं कि एक साल में राम मंदिर बनवा गए ना लड़के। आजकल राजनीतिक समीकरण बदल गया है। पहले लोग अल्पसंख्यक के आधार पर सरकार बना लेते थे, और कुछ जातिवादी संगठन लग के, अब आज स्थिति हो गई कि अब हर पार्टी को समझ में आ गया कि बिना हिंदुओं को लिए सरकार बनाई नहीं जा सकती। तब वो हिंदू मानसिकता को पहचान गए, उसके मुताबिक अब सबको राम मंदिर से प्यार हो गया है। लेकिन राम मंदिर की लड़ाई तो भाजपा ही लड़ रही है, उसके अलावा तो कोई लड़ा नहीं। और आज बन भी रहा है तो भाजपा के कार्यकाल में ही बन रहा है, और भाजपा की ही देन है कि अपनी पूरी कोशिश के साथ वहाँ जमी हुई है और बना रही है। हमारे मुख्यमंत्री जी तो कई बार जा चुके हैं अयोध्या, अखिलेश जी कई बार गए हैं, मायावती जी कितनी बार गई हैं। ब्राह्मण सम्मेलन फैजाबाद से अयोध्या शुरू करने से ब्राह्मण सम्मेलन हो जाएगा उनका। अब भाई उनकी अपनी सोच है, उनकी अपना समीकरण है, किस तरह से वो एडजस्ट कर रहे हैं, लेकिन हमें नहीं लगता कि इतनी सीटें उनको मिलेंगी। सरकार ही नहीं बना पाएंगे, सीटें तो बहुत दूर की चीज़ है। राकेश टिकैत के बारे में क्या बोलेंगे? वो बोल रहे हैं जैसे दिल्ली घेरे थे वैसे लखनऊ घेरेंगे। हाँ, जहाँ तक राकेश टिकैत की बात है, राकेश टिकैत दिल्ली तक ही सीमित है, क्योंकि केजरीवाल को उनको संरक्षण है। यूपी के बॉर्डर के अंदर योगी तो बुला रहे हैं कि आप घुसो तो अंदर, आपको तो न्योता दे रहे हैं, लेकिन वो न्योता से डरा रहे हैं, इसलिए वो यूपी के बॉर्डर के अंदर घुसना नहीं चाहते कि हम अपनी छीछा लेदर हो जाएगी। राकेश टिकैत जो है खालिस्तानी आतंकवादियों के शरण में चला गया है। सिर्फ दो स्टेट में ही किसान रहते हैं और सब स्टेट बिना किसान के हैं। सिर्फ कुछ थोड़े बहुत अपने राजनीति के तहत जाट बिरादरी को लेकर के
और प्लस पंजाबियों को लेकर के वहाँ ड्रामा फैलाए हुए हैं, देश की अर्थव्यवस्था चौपट कर रहे हैं और वो कुछ कर वर नहीं रहे, उससे राजनीतिक असर बहुत नहीं पड़ेगा। कुछ क्षेत्रों में थोड़ा बहुत असर आएगा जहाँ उनका प्रभाव है, उसके अलावा पूरे देश प्रदेश में कोई असर नहीं है इसका। जहाँ तक राकेश टिकैत का सवाल है, राकेश टिकैत पुलिस में दिल्ली में नौकरी करते थे, वहाँ से निकाले गए, आज उनके पास अथाह संपत्ति हो गई, कितने पेट्रोल पंप, कितने होटल, इसकी सरकार को जांच करानी चाहिए और इनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मुकदमा कायम करके विभागीय जांच करानी चाहिए, सत्यता सामने आएगी। ये विदेशी फंडिंग से चल रहा है इनका सारा कार्यक्रम, बस ऐसा के लोग बोल रहे हैं कि यदि लखनऊ आएंगे तो उनकी संपत्ति जब्त कर लेंगे योगी जी, तो हमें तो योगी जी तो न्योता दे रहे हैं कि आप आइए, शौक से आइए, लेकिन आप घुस नहीं रहे हैं क्योंकि आपका दिल काला है, इसलिए आप घुस नहीं रहे हैं, आप तो विदेशी फंडिंग में टिके हुए हैं। देखिए ऐसा है कि टिकैत जी की हिम्मत नहीं कि यूपी बॉर्डर के अंदर घुस सके, अगर घुसने की हिम्मत भी करते हैं और लॉ एंड ऑर्डर यूपी का डिस्टर्ब करेंगे तो उनके साथ उसी तरह की बर्ताव किया जाएगा, उनके साथ कोई सिंपैथी नहीं है, वो अच्छे ढंग से ठीक हो जाएंगे, उसके बाद वो आंदोलन करना छोड़ देंगे, एक बार यूपी आ जाएगा। एक चक्कर यूपी के अंदर घुसे तो योगी के कब्जे में आवे तो उनको सारी सत्यता पता चल जाएगी कि यूपी का शासन कैसा है। भाई वो आंदोलन जीवी हैं, आंदोलन से उनका खर्च चल रहा है तो आंदोलन करेंगे, लेकिन यूपी में नहीं आएंगे, वो बस वही बॉर्डर तक रहेगा जी, अब आपकी वहाँ से आइए। और लोगों से हम लोग जानते हैं, आप बताइए सर, यूपी में जो विधानसभा चुनाव हो रहा है, हमारे बहुत बड़े राष्ट्रवादी थे, आप बताइए सर यूपी में जो विधानसभा चुनाव हो रहा है, मुख्यमंत्री आप लोग किसको देख रहे हैं? 16 साल गए हमसे ज्यादा किसको देख रहे हैं? योगी को, योगी आदित्यनाथ को। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन अच्छा है इसके वजह से। हाँ, आपको पता है बहुत विकास किया है, इसमें कोई डाउट नहीं है, विकास किया उन्होंने, सड़क है, 27 लाख लगे। हेलो हेलो, बोले रहे तो जरूरी, कौन विपक्ष कहता है कि जो है नहीं कहा, उसको दिखता नहीं है इसलिए कहता है। अरे भाई साहब, हम अपने गुरु के खिलाफ नहीं बोलते। अब क्या बताना, मुख्यमंत्री किसको देखना? योगी जी को, और क्या, अच्छे काम किए हैं हमारे हिसाब से, अखिलेश आने चाहिए और अखिलेश जी ने काफ़ी काम किया है, तो बस यही है। बोलिए बोलिए भाई। देखिए, अगर कामों के एवज में देखा जाए तो जितने शासन प्रशासन के काम बसपा सरकार में हुआ है और शासन प्रशासन जितना सख्त और रहा है, उस हिसाब से तमाम लोग उसको लाइक कर रहे हैं, उस पार्टी को, और उस 6 महीने के शासनकाल को एक बार फिर जनता देखना चाह रही है, इसीलिए तमाम चौराहों पर इस प्रकार की बातें हो रही हैं कि एक बार फिर बहन मायावती को उत्तर प्रदेश का सीएम बनाने की बात चल रही है। आप बताइए सर, मुख्यमंत्री किसको देखते हैं? योगी जी से अच्छा कोई मुख्यमंत्री आज तक नहीं हुआ, ऐसा ही रहे तो देश में काफ़ी तेजी तेजी आएगी, चाहे शासन हो, चाहे प्रशासन हो, चाहे कार्य प्रणाली हो, चाहे अधिकारी हो, हर आदमी अपनी जगह योगी जी से संतुष्ट है, विपक्षियों को छोड़ जी, इसलिए हम योगी जी को ही देखना चाहते हैं जी। अब बताइए सर, हम लोग क्या बताएं? बताओ यार, बताओ, योगी 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 क्यों ना पूछे? हाँ, सपा वाले आपको बताएं कि क्यों, बहुजन समाज पार्टी वाले आपको बताएं कि क्यों, हम ही से पूछ रहे हैं योगी। अगर बसपा वाले बोल रहे हैं कि उनके जो पूछे नहीं है, मैं देख रहा हूँ, आपने पूछे नहीं, योगी वाले ही आदमी को क्यों पूछ रहे हैं? तो हमने कह दिया बस, योगी 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 है जी, योगी की सरकार में सब अच्छा दिख रहा है हमको, इसलिए हम योगी का ही च्वाइस है। योगी का है सर, नो चॉइस। आप बताइए सर, मुख्यमंत्री देखना चाहेंगे आप लोग? आप बताइए सर, यूपी में जो विधानसभा चुनाव हो रहा है, मुख्यमंत्री किसको देखना चाहेंगे? सर जो है मोदी जी हैं तो ठीक ही है, ठीक है, उनके शासनकाल में जो भी चीज़ें हैं वो ठीक ठाक हैं,